मेरे प्यारे बच्चों, मैं जी सिंह सर IERT और पॉलिटेक्निक के मैथ्स को लेकर के हाजिर हूँ और आप सभी का ब्राइट कोचिंग लूकरगंज के YouTube चैनल पर अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, इधर IERT और पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं थोड़ी सी टली हैं और एक बहुत अच्छा चांस है कि हम अपने तैयारी को सुचारू रूप से रख कर सिलेक्शन ले सकते हैं। IERT और पॉलिटेक्निक बहुत ही अच्छी उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा एक विकल्प है जो आसानी से इसे करके 100% प्लेसमेंट के द्वारा जॉब ले सकते हैं। जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है कि किसी प्राइवेट स्कूल से BTEC करने से अच्छा है, 5 से 6 लाख रुपए बर्बाद करने से अच्छा है कि हम बहुत कम खर्च में पॉलिटेक्निक और IERT का डिप्लोमा लें और अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट पा जाएं। आज मैं मैथ के थोड़ा सा सिलेबस का परिचय आप लोगों को दूंगा कि हमें मैथ में किन किन टॉपिक पर विशेष ध्यान दे लेने से हमारा सिलेक्शन बहुत अच्छा हो सकता है। आपको ये पता ही होगा कि अगर आप फॉर्म भरे हैं कि लगभग 50% कोर्स आपका मैथ से सवाल उठता है और 50% में फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है। मैथ को हम दो पोर्शन में, दो भाग में बांट करके बात करें तो एक है हमारी जो सामान्य अंकगणित, जिसके कौन कौन से चैप्टर आएंगे अभी हम डिस्प्ले करेंगे, और दूसरा पार्ट होता है एडवांस गणित का, उसमें क्या क्या आएगा अभी मैं डिस्प्ले करता हूँ। तो आइए पहले जाना जाए हमारा सिलेबस क्या है। देखिए, जो हमारा अंकगणित का पार्ट होगा, अंकगणित का जो पार्ट होगा उसमें देखिए हमें मेन क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपके जो भी टेक्स्ट बुक रखे होंगे उसमें यही चैप्टर दिया भी गया होगा, कार्य समय एवं नल टंकी। दूसरे नंबर पर आपका आता है चाल समय एवं दूरी। इसी से जुड़ा हुआ एक चैप्टर और आ जाता है, उसे भी यहाँ पर देखें, कभी कभी इस पे सवाल आपको मिला है, रेलगाड़ी और नाव नदी धारा या नाव धारा बोल सकते हैं। तीसरे नंबर पे आए तो आ जाता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद अनुपात, समानुपात, इसी में मैं एवरेज को ले लेता हूँ, हालांकि सवाल कभी कभी इन दोनों टॉपिक से दिखा है, अनुपात समानुपात और औसत से। पांचवें नंबर पे आए तो निश्चित रूप से सवाल रहा है आपके परीक्षा में प्रतिशत। छठवें नंबर पर आए तो आता है लाभ हानि, फिर सातवें नंबर की बात करें तो सांख्यिकी। ये तो आपके निर्धारित पाठ्यक्रम हैं जिनके जिनसे सवाल उठता है, लगभग लगभग हर टॉपिक से प्रश्न हर वर्ष उठा है, लेकिन कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जिनसे कि सवाल वो पूछ लेता है जिसे हम व्यवहारिक जानकारी के अंतर्गत लेते हैं। तो जानिए कि उन चैप्टर्स के बारे में हमें क्या क्या जानना होगा। तो देखिए, हमारा 8 नंबर में मैं उसको लेता हूँ। ध्यान रखिएगा, मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट से धीरे धीरे कम इम्पॉर्टेंट की ओर आपको सिलेबस दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ से आ जाता है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जिसको आप कहते हैं, सवाल यहाँ से भी बना है। इसके बाद आ गया सरलीकरण,
सरलीकरण में क्या क्या है उसे ध्यान रखिएगा। सरलीकरण में भिन्न हो सकता है, घातांक से संबंधित सवाल हो सकते हैं, करणी और दशमलव भिन्न से संबंधित सवाल पूछा गया है। और आते हैं अब हम 10 नंबर पर, और 10 नंबर पे सवाल बनता है एलसीएम एवं एचसीएम। मोर देन सफिशियंट है अंकगणित का प्रश्न अगर आप इतनी तैयारी कर लेते हैं तो। तो चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आपको अब बताऊं शेष सिलेबस। अब बात करते हैं बीजगणित का। बीजगणित में ध्यान रखिएगा, इसमें हमें गुणनखंड से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। गुणनखंड के बाद लघुगणक से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। समुच्चय सिद्धांत से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। वेन आरेख से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। इतनी बीजगणित का भाग होगा। इसके अलावा आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का एक पार्ट और है और उसे हम कहते हैं ऊंचाई और दूरी। ये चीज आपको जानना होगा। अब हम आते हैं अगले पार्ट पर और वो पार्ट है रेखा गणित। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट होना होगा क्योंकि ज्योमेट्री हाई स्कूल के बाद आपके कोर्स में नहीं रहती, और हाई स्कूल तक रहती है तो वो आप ठीक से पढ़ते नहीं हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न आप लोगों को बनाता है वो ज्योमेट्री से कम 5 से 6 प्रश्न बनाता है, और जब आपकी ज्योमेट्री मजबूत हो जाती है तो आप सॉलिड ज्योमेट्री को बड़े आराम से कर ले जाते हो। सॉलिड ज्योमेट्री के पिरामिड है, प्रिज्म है, इसको ठीक से समझने के लिए ज्योमेट्री का ज्ञान बहुत आवश्यक है। और तब तीसरी ज्योमेट्री है जिसे आप कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। तो आप देख रहे हो कि ये तीन ज्योमेट्री है, तो ये मेन यानी प्लेन ज्योमेट्री जिसको आप रेखा गणित कहते हो, इसकी मजबूती के साथ ही इसे हम सरलतम ढंग से पढ़ सकते हैं। तो रेखा गणित को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और रेखा गणित में देखिए हमें कितनी बातों को फोकस करना होगा। सबसे पहले बात हम करेंगे कोण का। दूसरे नंबर पर रेखा गणित में आएंगे क्या भाई, त्रिभुज, चतुर्भुज। और मैं यहीं पर बात कर लूं बहुभुज का। इसके बाद तीसरे नंबर पर आएगा वृत्त, फिर चौथे नंबर पर भैया वृत्त के स्पर्श रेखा, और फिर पांचवा नंबर होगा आकृतियों की समरूपता, आकृतियों की समरूपता। और छठवें नंबर पर है बिंदु पथ। यहां पर आपके प्लेन ज्योमेट्री समाप्त होती है। तब आप इसका भी स्क्रीनशॉट करिए और जल्दी से फिर हम आगे बढ़ाएं आपको। इसके बाद आते हैं सॉलिड ज्योमेट्री पर। रेखा गणित के बाद यानी प्लेन ज्योमेट्री के बाद हमें पढ़ना है क्या, सॉलिड ज्योमेट्री जिसे आप कहते हैं ठोस ज्यामिति। ठोस ज्यामिति में आपका पहला पार्ट आएगा, यानी दो पार्ट में इसको बांटते हैं, सेक्शन ए जिसमें होगा क्षेत्रफल यानी एरिया। क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको मिलेंगे। अब क्षेत्रफल में देखो क्या क्या होगा,
तो एक तो होगा सूत्र पर आधारित क्षेत्रफल, सूत्र पर आधारित क्षेत्रफल, इसके बाद होगा चित्र पर आधारित क्षेत्रफल, चित्र पर आधारित क्षेत्रफल। तो सूत्र पर आधारित क्षेत्रफल जो आप पढ़ेंगे इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है तो वो जान लीजिए आप। इसमें हमें पढ़ना है त्रिभुज, बहुभुज मैंने लिख दिया, इसमें चतुर्भुज भी आ जाएगा और कोई भी पॉलीगन आ जाएगा। इसके बाद आ गया वृत्त, इतने के क्षेत्रफल को हमें पढ़ना है, सूत्र पर आधारित क्षेत्रफल और चित्र पर आधारित क्षेत्रफल। तो परिस्थिति जन्य होगा, कैसा डायग्राम बना है, किसको किसको मिक्स करके बना है, वो प्रश्न के अकॉर्डिंग होगा। इसके बाद हम इसके बी सेक्शन में आए और बी सेक्शन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, सेक्शन बी, और ये होता है आयतन। हाँ बेटा, यहाँ पर मैं बता दूँ, क्षेत्रफल को हम 2D कहते हैं, टू डायमेंशन एरिया है ये, और यहाँ पर हम लेते हैं आयतन जिसको हम 3D के नाम से जानेंगे, आयतन। अब आप समझिए, आयतन से कम 3, 4 अथवा 5 प्रश्न तक हर वर्ष आया है। आयतन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लंब बेलन। अब आप यहाँ थोड़ा सा गौर करिएगा, लंब बेलन, चूँकि लंब बेलन उन सभी आकृतियों को कहा जाता है जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल समान हो, और दूसरा इसमें 2 शीर्ष होने चाहिए। अगर ऐसी कोई भी आकृति है तो वो लंब बेलन कहलाएगी। अब आप देखिए इसमें कौन कौन सी आकृति आ सकती है जिसे लंब बेलन के अंतर्गत ले जाएंगे। तो चल देखो पहला केस, बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए मैंने ये एक आकृति बना दिया ऐसा, चल देखिए इसको हमने यहाँ से मिलाया, ये मिलाया, यहाँ से इसको मिलाया और यहाँ से इसको मिलाया। अनुप्रस्थ परिच्छेद क्या है इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। अगर मैं इसके क्षेत्रफल को, जो ये पार्ट दिख रहा है, ए मानूँ, तो ये नीचे वाला क्षेत्रफल भी बोलो क्या होगा, ए होगा। इसे हम कहीं से भी काट कर अगर देखें तो जो भी क्षेत्रफल मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। कहने का आशय ये है कि परिच्छेदी क्षेत्रफल, यानी कहीं से भी कटिंग करके हम इसको देखें, इसकी एरिया हर एक हाइट पर बराबर होगी, मतलब अनुप्रस्थ परिच्छेद समान। दूसरी आकृति देखिएगा, एक आकृति ऐसा भी हो गया, देखिए ये यहाँ पर भी 2 सिरा है, यहाँ भी 2 सिरा है। अगर इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ये, इसे कहीं से भी काट कर देखा जाए तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए होगा। अर्थात इस चित्र में भी हम कह सकते हैं कि इसका भी परिच्छेदी क्षेत्रफल क्या है, समान है। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर 2 बातें आपके सामने आ गई कि यह भी लंब बेलन का एक उदाहरण है, ये भी लंब बेलन का एक उदाहरण है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो इसका बेस है, जो इसका आधार है, वो भुजाओं वाला है, जिसको हम कह सकते हैं बहुभुजाकार है, और इसका आधार देखिए वृत्ताकार है। इसका मतलब लंब बेलन 2 तरह का होगा, एक वो लंब बेलन होगा जिसका आधार बहुभुजाकार होगा, और एक वो लंब बेलन होगा जिसका आधार कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। तो अब आप जान लीजिए, तब उस लंब बेलन को जिसका आधार बहुभुजाकार था, अब आप ध्यान से देखिए, यहीं से आपका सिलेबस मैं लेकर शुरू हो रहा हूँ, जिनका आधार बहुभुजाकार था उसी लंब बेलन को नाम दे दिया गया लंब प्रिज्म,
अब बताइए लंब प्रिज्म, तो ये तो हम घनाभ भी इसको कह सकते हैं, घन भी कह सकते हैं। तो लंब प्रिज्म का बड़ा विस्तार अध्ययन आपको मिलेगा, तो इसमें एक आप अपनी किताब में देखेंगे तो वहाँ से कंफ्यूज आपको नहीं होना है। चूंकि लंब प्रिज्म का उदाहरण घनाभ भी है, घन भी है, चूंकि इनकी इतने ज़्यादा नेचर होते हैं कि इसे एक चैप्टर बना दिया गया। हालांकि ये अलग से चैप्टर नहीं है, ये लंब बेलन का एक उदाहरण है और शेष आकृति को लंब प्रिज्म के नाम से दूसरा एक्सरसाइज आपको दे दिया गया आपकी किताबों में। तो ये ध्यान रखिए, यह है दोनों एक ही चीज़, बस घनाभ और घन को जब बेस चतुर्भुजाकार हो तो उसे हम घनाभ और घन के रूप में लेते हैं, और इसके अलावा कोई भी शेप हो आधार का, जैसे देखिए मैंने एक ये त्रिभुज बना दिया, यहाँ देखिए एक त्रिभुज बना दिया और ये हमने मिला दिया, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इनका जो परिच्छेदी क्षेत्रफल है वो हर एक स्टेप पर समान है, तो ये भी लंब बेलन का उदाहरण है। चूंकि इनमें बहुत कुछ पढ़ना है इसलिए इनको एक चैप्टर के रूप में अगर पढ़ा जाए तो मेरे को समझाने में अच्छा लगेगा, आपको ठीक से समझ में आएगा। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। देखो, अगर आधार वृत्ताकार है, अगर आधार वृत्ताकार है तो इस प्रकार के लंब बेलन को क्या नाम दिया गया भाई? लंब वृत्तीय बेलन। यानी अब आप ध्यान रखना, ये भी लंब बेलन उदाहरण है, ये भी लंब बेलन का उदाहरण है, ये भी लंब बेलन का उदाहरण है। यानी अब आप लंब बेलन में तीन पार्ट पढ़ेंगे, एक लंब वृत्तीय बेलन का जिसका आधार वृत्ताकार है, एक घनाभ और घन जो प्रिज्म का उदाहरण है लेकिन इसे हम एक अलग चैप्टर बना के पढ़ेंगे, और शेष आकृतियों को हम लंब प्रिज्म के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि आयतन का ये पहला पोर्शन है, अब आइए आयतन के हम दूसरे पोर्शन पे आपको ले चले। चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिया करिए ताकि आपके पास मैटर बना रहे, अन्यथा वीडियो को आप बार बार देखिए और अपनी कॉपी में बढ़िया से आप नोट्स तैयार करिए। चलिए अब हम आयतन के आते हैं दूसरे पार्ट पर, और दूसरे पार्ट का नाम देते हैं लंब शंकु। ध्यान दीजिएगा, लंब शंकु। अब लंब शंकु उन सभी आकृतियों को कहा जाएगा जिसमें एक ऊर्ध्व शीर्ष हो। थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, यही एक इसका पार्ट है जो सबसे कठिन मेंसुरेशन का होता है। एक ऊर्ध्व शीर्ष होना चाहिए और एक ये होना चाहिए कि अगर आप ऊर्ध्व शीर्ष से शीर्ष लंब खींच रहे हैं तो ये शीर्ष लंब आधार के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर मिलना चाहिए। दोनों बात का ध्यान रखिए कि लंब शंकु उन आकृति को कहेंगे जिनमें एक ऊर्ध्व शीर्ष हो और अगर शीर्ष से लंब गिराया जाए तो वह आधार के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर होना चाहिए। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर नहीं है, केवल एक पालन हो रहा है, एक नियम का पालन हो रहा है, तो वो केवल और केवल शंकु कहा जा सकता है। जैसे देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, यहां से अगर आप लंब गिराओगे तो ये लंब देखो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बाहर चला जाएगा। तो जब केवल एक कंडीशन होल्ड करे तो वो शंकु होगा, लंब शंकु नहीं होगा। लंब शंकु होने के लिए ये दोनों शर्तों का होना बहुत जरूरी है। तब आओ बेटा चित्र में देखते हैं, इन दोनों शर्तों का पालन करते हुए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। देखिएगा, एक चित्र तो आपने ये बना दिया, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे वृत्ताकार चकती का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है? उसका केंद्र होता है। अब अगर हम इसके ऊर्ध्व से देखो, इसमें एक ऊर्ध्व शीर्ष है और अगर ऊर्ध्व शीर्ष से लंब गिरा दे जिसको आप शीर्ष लंब कहोगे तो वो देखो कहाँ आ गया, इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर आ गया। दूसरी आकृति देखो, अगर मैं ये बात करूं, आधार वृत्ताकार नहीं है
आधार त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, पंचभुजाकार कुछ भी हो। अब आपको पता है त्रिभुज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है भाई? त्रिभुज का केंद्रक होता है। अभी मैं जब ज्योमेट्री शुरू करूँगा तो मैं उसको बताऊँगा, और मैं पहले ज्योमेट्री ही शुरू कर देता हूँ क्योंकि ये सबसे कठिन होता है और प्रश्न इससे ज़्यादा आते हैं, तो लड़के यहाँ पे प्रश्न क्वेश्चन छोड़ते हैं, सिलेक्शन प्रभावित होता है। पहले मैं ज्योमेट्री को शुरू करूँगा, और ज्योमेट्री से एक फ़ायदा और होगा कि ये ब्रेन एक्सरसाइज इतना बढ़िया करा देगा कि अन्य चैप्टर को आपको करने में बड़ा मज़ा आएगा। बस आप कंटिन्यू वीडियो देखिए, जुड़े रहिए। त्रिभुज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है भाई? माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर, जिसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक यानी सेंट्रॉइड कहते हैं। अब देखो, अगर मैं इसके शीर्ष से शीर्ष लंब गिराऊं तो ये लंब इनके सीजी पर आएगा, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर आएगा। तो ये भी लंब शंकु का उदाहरण है। डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हो लंब शंकु में दो डायग्राम आपके सामने आ गया। एक ऐसा डायग्राम आ गया जिसका आधार वृत्ताकार है, और एक ऐसा डायग्राम आ गया जिसका आधार बहुभुजाकार है। इसका मतलब है कि लंब शंकु भी दो तरह का हुआ। तो क्या क्या हुआ देखो, जिसका आधार वृत्ताकार हुआ उसे कहा गया लंब वृत्तीय शंकु, और जिसका आधार बहुभुजाकार हुआ इसे कहा गया लंब पिरामिड। क्या कहा गया भाई? लंब पिरामिड। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक पार्ट हमें और पढ़ना होता है, और वो होता है छिन्नक। छिन्नक आईआरटी में ज्यादा सवाल इससे बनता है, छिन्नक से। छिन्नक क्या है? पहले परिभाषा सुन लो। अगर हम किसी लंब शंकु को उसके आधार के समांतर किसी समतल द्वारा काट दें तो जो बचा हुआ भाग है वह उस आकृति का छिन्नक होगा, जैसे मैं इसी चित्र पर दिखा रहा हूँ। चलिए मैं इसके आधार के समांतर इसे काट देता हूँ। देखो ये कट गया। कटने के बाद हमने कहा बचा हुआ भाग, तो मैं इनको हटा देता हूँ। ये देखिए, ये जो आकृति बची ये छिन्नक है। किसका? लंब पिरामिड का। अगर मैं इसको भी काट दूं तो देखो इसका ये भाग बचता है, कटे हुए भाग को हटा दूं, देखो ये छिन्नक है। बोलो किसका? लंब वृत्तीय शंकु का। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें लंब शंकु में तीन पार्ट पढ़ना पड़ेगा, एक लंब वृत्तीय शंकु, एक लंब पिरामिड, और फिर इनका कटा हुआ भाग जिसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट क्रम यानी छिन्नक। ओके, अब आते हैं आयतन के तीसरे पार्ट पर जो आपको पढ़ना है। चलिए तीसरा पार्ट देखिए, इसका क्या है? तीसरा पार्ट है गोला, स्फेयर, गोला। अब गोला में देखो हमें क्या क्या पढ़ना है, ये बहुत ईजी चीज है, इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमें पढ़ना है पूर्ण ठोस अथवा खोखला गोला। पूर्ण हो चाहे ठोस हो चाहे खोखला हो, उसके बारे में पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है गोली खंड। अब गोली खंड क्या है, थोड़ा सा यही परिचय करते हैं। किसी गोले को उसके व्यास के समांतर किसी समतल द्वारा काट दिया जाए तो कटा हुआ भाग ये गोली खंड होगा, या जिसे हमने काट कर हटा दिया है वो गोली खंड होगा। हमें इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, हमें पढ़ना है गोले का भी छिन्नक। यहाँ कहता है कि किसी गोले को दो समांतर समतल द्वारा काट दिया जाए तो ये बचा हुआ भाग, कटा हुआ नहीं, बचा हुआ भाग गोली छिन्नक होता है।
हमें इसके बारे में पढ़ना होगा, आयतन निकालना, कर्व सरफेस, वक्र फ्रस्टर निकालना, जो भी पूछेगा प्रश्न के अनुसार वैसा हम करेंगे। यहाँ पर जा करके आप लोगों का 3D समाप्त होगा, तब बात आएगी अब कोऑर्डिनेट पर, यानी निर्देशांक ज्यामिति। अब देखिए उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति को बहुत डीप नहीं पढ़ना है, लेकिन मेंसुरेशन और ज्योमेट्री को काफ़ी डीप पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। निर्देशांक ज्यामिति में हमें क्या क्या पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति में हमें पढ़ना है, पहला पार्ट है बिंदुओं का निर्देशांक, बिंदुओं का निर्देशांक, दूसरा पढ़ना है रेखा का समीकरण, और तीसरा जो बहुत रेयर प्रश्न बना है वो बना है निर्देशांक का, निर्देशांकों का ग्राफीय निरूपण, निरूपण ये पढ़ना है। और यहाँ पर आपका, आपकी ज़रूरत के लिए मैथ का कोर्स समाप्त होगा। ध्यान रखिए, मैं फिर से आपको सलाह दे रहा हूँ, मैथमेटिक्स को बहुत मजबूती से पकड़िए, क्योंकि 50% क्वेश्चन अकेले मैथ का होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी अभी आप पढ़ करके आगे के क्लास में जा रहे हैं, जो इंटर के बच्चे हैं उनके लिए विशेष दिक्कत है सॉलिड ज्योमेट्री और ज्योमेट्री से, उसको लेकर चलेंगे, तो शुरुआत हम ज्योमेट्री से ही करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और अगले वीडियो में शुरुआत करेंगे ज्योमेट्री से। धन्यवाद।